नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज़। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूं देश प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बीते 24 घंटे में 2,40,000 नए मामले आए सामने, 3,741 मरीजों की गई जान। देश में कोविड से होने वाली दैनिक मौतों में आई हल्की गिरावट, कुल मौत का आंकड़ा अब तक 2,99,266। बीते 24 घंटे में 3,55,000 से ज्यादा मरीजों को हुई रिकवरी, अब तक ठीक हो चुके हैं 2,14,25,467 मरीज। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 3,408 नए मरीज, 48 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 6,046 नए मामले, 226 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 26,133 नए मामले, 682 की मौत। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 65 मामले, राज्य सरकार ने घोषित की महामारी। देश के कई राज्यों में बारिश के आसार, अगले 2 घंटे में हरियाणा और राजस्थान में झमाझम बरसेंगे बादल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 3.3 रही तीव्रता। वहीं मणिपुर के उखरुल में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3। मंडरा रहा है यास तूफान का खतरा, पीएम मोदी आज करेंगे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। बठिंडा के गुरुद्वारे में माथा टेकने गई बच्ची के साथ छेड़छाड़, ग्रामीणों ने ग्रंथी को बांधकर पीटा। फिर बोले सिद्धू, मैंने कभी नहीं मांगा उप मुख्यमंत्री पद, कैप्टन अपना दावा साबित करके दिखाए। युवक को थप्पड़ जड़ने, फोन तोड़ने वाले कलेक्ट्रेट पर गिरी गाज, सीएम बघेल ने तत्काल प्रभाव से हटाया, वीडियो हुआ था वायरल। खौफ जारी, मेरठ में ब्लैक फंगस के 9 और कोरोना के 394 नए मामले आए सामने, 18 मरीजों की मौत। आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के 17 मरीज भर्ती, एक की निकालनी पड़ी आंख, 12 गंभीर। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की रिपोर्ट, यूपी में कोरोना की तीसरी लहर, अगस्त से अक्टूबर तक संभव खतरा 20 साल तक की उम्र वालों पर। हत्या के केस में पहलवान सुशील कुमार दिल्ली से गिरफ्तार, साथी भी पकड़ा गया। क्रिकेट मामले में रायपुर पुलिस ने सामित पात्रा को भेजा नोटिस, करेगी पूछताछ। दिल्ली मुंबई में टीकाकरण बंद, वैक्सीन की कमी का हवाला। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें।